अर्णब गोस्वामी। आज यह नाम भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर है और देश का कोई ही ऐसा नागरिक होगा जो इस नाम से परिचित नहीं है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अर्णब गोस्वामी के जीवन के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान के न्यूज़ की दुनिया को बदल कर रख दिया है। खबरों का यह सिलसिला शुरू करने में उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हूं राजेश कश्यप और आप देख रहे हैं जनसंवाद में। सन 1995 में पत्रकारिता शुरू करने वाले अर्णब गोस्वामी का जन्म असम के गुवाहाटी में हुआ था। वे अपने माता पिता के साथ गुवाहाटी में ही रहा करते थे। उनके पिता सेना में सेवाएं देते थे जिसके कारण अर्णब गोस्वामी की शिक्षा देश के कई राज्यों में हुई। उनके पिता भारतीय जनता पार्टी में राजनेता के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अर्णब गोस्वामी के परिवार से बहुत से लोग राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं और वो अच्छे अच्छे पदों पर भी रह चुके हैं। उनके दादा रजनीकांत गोस्वामी एक वरिष्ठ वकील थे जिनकी ख्याति पूरे विदेश में थी। उनके नाना गौरी शंकर भट्टाचार्य असम के विपक्ष के नेता के रूप में विधायक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अर्णब गोस्वामी की शिक्षा उनके पिता के सेना में होने के कारण देश के कई राज्यों में हुई। पिता के सेना में होने के कारण अर्णब गोस्वामी ने देश के कई हिस्सों से अपनी शिक्षा पूरी की। दिल्ली कैंट में स्थित सेंट मैरी स्कूल में उन्होंने अपनी माध्यमिक की परीक्षाएं दी और वहां से शिक्षा प्राप्त की। जबलपुर छावनी के केंद्रीय विद्यालय से भी अर्णब गोस्वामी ने पढ़ाई की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से उन्होंने समाजशास्त्र में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल करने के बाद सोशल एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर डिग्री के लिए सेंट एंथोनी कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में दाखिला लिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अर्णब फिलिक्स के विद्वान रह चुके हैं। कॉलेज में उन्हें एक लड़की का नाम समय ब्रतरे गोस्वामी था उससे प्यार हो गया जिसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। अर्णब गोस्वामी का अब एक प्यारा बेटा भी है। अक्सर विवादों से घिरे रहने वाले अर्णब गोस्वामी को पत्रकारिता से बेहद लगाव था। उन्होंने कोलकाता के इंग्लिश समाचार पेपर द टेलीग्राफ से अपने पत्रकारिता के करियर की शुरुआत की थी, परंतु वह वहां पर एक साल टिककर भी काम नहीं कर पाए जिसके बाद वह दिल्ली आ गए। इसके बाद वह NDTV से जुड़े और वहां पर उन्होंने न्यूज़ आवर के एंकरिंग से अपने करियर की एक बार पुनः शुरुआत की। कुछ समय पश्चात दिल्ली मेट्रो पर प्रसारित होने वाले न्यूज़ प्रोग्राम में भी अर्णब ने एंकरिंग की। साल 2004 के दौरान अर्णब को न्यूज़ एंकरिंग के लिए एशियाई टेलीविज़न पुरस्कारों में एशिया का बेस्ट समाचार एंकर का अवार्ड भी मिला। 2006 में उन्होंने NDTV का साथ छोड़ दिया और फिर टाइम्स नाउ चैनल में प्रधान संपादक के रूप में फिर से ज्वाइन कर लिया। इस चैनल पर उनकी मेजबानी में एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता था जिसका नाम फ्रेंकली स्पीकिंग विद अर्णब रखा गया। इस शो के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो, हामिद करजई, दलाई लामा, हिलेरी क्लिंटन और वर्तमान समय में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रतिष्ठित हस्तियों का भी इंटरव्यू लिया। शायद वे टाइम्स नाउ से खुश नहीं थे इसलिए उन्होंने पत्रकारिता की स्वतंत्रता और संपादकीय मतभेदों राजनीतिक मुद्दों के चलते 1 नवंबर 2016 को उन्होंने इस चैनल को भी छोड़ दिया। अर्णब गोस्वामी ने बहुत सारे चैनलों में काम करने के बाद रिपब्लिक TV शुरू किया जो एशिया नेट द्वारा फंडेड था, जिसकी शुरुआत 6 मई 1917 को हुई। उनके इस चैनल में एशिया नेट ने मुख्य रूप से राज्यसभा के तत्कालीन स्वतंत्र सदस्य जिनका नाम राजीव चंद्रशेखर था उन्होंने निवेश किया, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं और केरल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपाध्यक्ष के पद पर मौजूद थी। BJP में आधिकारिक रूप से शामिल होने के बाद राजीव चंद्रशेखर ने एशिया नेट के निदेशक के तौर पर इस्तीफा दे दिया। अर्णब के द्वारा शुरू किया गया TV न्यूज चैनल बहुत हिस्से विवादों के बावजूद अत्यधिक सुप्रसिद्ध है। एशिया में यह एकमात्र इंग्लिश न्यूज चैनल है जो लगातार 100 हफ्तों तक नंबर एक की पोजीशन पर रहा है। इससे पहले किसी भी न्यूज चैनल ने यह मुकाम हासिल नहीं किया था। अपनी बेबाकी और निर्भीकता के लिए देश में जाने जाने वाले अर्णब गोस्वामी को कई अवार्ड भी प्रदान किए गए हैं। अर्णब गोस्वामी को वर्ष 2008 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड से भी नवाजा गया। समाचार टेलीविज़न एडिटर एंड चीफ
के लिए अर्णब गोस्वामी को साल 2012 में एनडीए अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अर्णब को सर्वसम्मत से न्यूज ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष 8 दिसंबर 2019 को चुना गया था, जिसके बाद उन्होंने एक लाइव प्रोग्राम के दौरान इससे इस्तीफा दे दिया था। तेज तर्रार एंकर के रूप में जाने जाने वाले अर्णब गोस्वामी का विवादों से पुराना और गहरा नाता रहा है। रिपब्लिक टीवी के अध्यक्ष शेखर गुप्ता पर आरोप लगाते हुए लाइव टेलीविजन पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में उन्होंने कई कारणों का हवाला देते हुए लाइव शो में ही इस्तीफा दे दिया था। पूर्व मंत्री शशि थरूर ने रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी पर कुछ महीनों पूर्व बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि उनकी पत्नी सुनंदा थरूर की मृत्यु के पीछे अर्णब गोस्वामी का हाथ है। इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी भी दी थी। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद अर्णब ने कई ऐसे तथ्य सामने लाए जिससे यह अंदेशा जताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत में आत्महत्या का जो एंगल दिखाया जा रहा है वह सत्य नहीं है और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। अर्णब गोस्वामी के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत में कई तथ्य पेश किए गए हैं जिसके आधार पर भी CBI और अन्य टीमें जांच में जुटी हुई हैं। आज अर्णब के द्वारा कई बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, कई नए खुलासे किए जा रहे हैं जिससे सुशांत सिंह राजपूत केस को नया मोड़ मिल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस प्रकार से अर्णब गोस्वामी की तत्परता दिखाई दे रही है उसे देशवासियों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। देशवासी आज अर्णब गोस्वामी को एक तेज तर्रार पत्रकार के रूप में जानते हैं और उनकी काफ़ी तारीफें करते हैं। अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हम इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो अपने चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत